अप गाइस, बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे से हैं। और मैंने 4-5 दिनों से मैं कोई अपडेट नहीं दे पाई हूँ, तो प्लीज़ पहले हमारे ब्लॉग्स में आप एंड तक बने रहना, तभी जान पाओगे। और जो भी हमारे ब्लॉग्स देखना पसंद करता है वो प्लीज़ कम से कम 4 मिनट तक ज़रूर देख ले कि हमारे वाच पूरा हो। और आप लोगों को दिल करे तो लाइक करना, शेयर करना ये मत करना, मगर 4 मिनट तक ज़रूर देख लेना। आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहना। और मैं इसलिए मैं नहीं दे पा रही थी, मतलब अपडेट 4-5 दिनों से मेरे घर में बहुत सारे इशू चल रहा था, तो मैं नहीं चाह रही थी कि मतलब हम भी ऐसा कुछ बनाए। ये ऐसा ही चल रहा था, जैसे कि गोरखपुरी भौजी के पति लापता है, तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ है था, तो एक आध दिन के लिए हुआ था। तो मैंने आप लोगों से ये सब बताना ज़रूरी नहीं समझी, इसलिए कि मतलब बहुत लोग ये समझ सकता है, समझने लगता है कि हाँ ये व्यूज़ मतलब और व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में ये सब ऐसे ड्रामा करा जा रहा। सच में गोरखपुरी भौजी के महादेव जी लापता हैं, तो मतलब उनकी मजाक बनाया जा रहा है, तो हमारे भी मजाक बन सकती है। इसीलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं करी, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, तो मुझे वीडियो डालने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, और मैं वो सब दिखाना नहीं चाह रही थी। अब मेरा जाके मतलब वो सारे मामला सॉल्व हुआ है, तो मैं आज से आप लोगों का अपडेट हर रोज़ देती रहूँगी। आप लोग हमारे वीडियो में एंड तक ज़रूरी बने रहना, मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों से। आप लोग बने रहोगे तभी तो जान पाओगे। तो हमारे घर में जो इशू था वो एकदम मतलब ख़त्म हो चुका है, वो टेंशन ख़त्म हो चुका है। मैं आप लोगों से ज़रूरी मतलब एक बातें बताना चाह रही हूँ, जो इतना दिनों से मैं 2 महीने से वीडियो डाल रही हूँ, तो मैं आज तक ले छुपाई थी, मगर अब नहीं छुपाऊँगी, इसलिए कभी ना कभी पता चलेगा तो आप लोगों का भरोसा मतलब टूटेगा, आप लोगों के दिल पे ठेस पहुँचेगा। आप लोगों को जानने का हक है, इसलिए कि आप लोग हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो आप लोग की सारे बातें जानने का हक भी है। तो हम हैं तो हम 2 सौतन हैं, हमारे आदमी के मतलब 2 वाइफ हैं। प्लीज़ गाय मतलब आदमी कह दी हस्बैंड को, तो हम 2 वाइफें हैं, उसी के चक्कर में बहुत सारे लड़ाइयाँ चल रही थी, मतलब जायदाद के चक्कर में लड़ाइयाँ चल रही थी, तो फाइनली हमारे झगड़ा ख़त्म हो चुका है। और जो उसका हक था उसे मिल चुका है, जो मेरा था मेरे को मिल चुका है। अब हम जो भी बातें होगी आप लोगों से शेयर करेंगे, और आप लोग कमेंट करोगे तो मैं जो भी बातें हैं कैसे हुआ था क्या हुआ था तो आप लोगों से हम ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आप लोगों की मर्ज़ी होगा तो मैं आप लोगों के से अपडेट देती रहूँगी। आप लोग हमारे लव मैरिज शादी पे मतलब स्टोरी जानना चाहोगे तो वो बताओगे, आप लोग वो जानना चाहोगे तो वो मैं स्टोरी आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगी। यही है सारा हमारे कहानी। आखिर दुनिया में मतलब कब तक छुपा रहेगा, यहाँ पे तो चाहे हर कोई रिश्तेदार हर कोई तो जानता ही है, आज से नहीं हमारे 5 साल से ही है, 5 साल से मतलब हो रखा है। तो अब आप लोगों से छुपा हुआ था तो मैं आप लोगों से मतलब मैं ज़रूरी समझी कि आप लोगों को मैं बता दूँ। बेटी देखो कितनी परेशान कर रही है, गोद में ले लिया। और चलो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और ब्लॉग्स कल से मैं आप लोगों के दिखाऊंगी। इतना मैंने आप लोगों से बता दी जो मेरे मतलब रियल स्टोरी है, जो मेरी कहानी चल रही थी मेरे ज़िंदगी में, जो बातें हो रही थी मैं आप लोगों से बता दी। अब से कुछ नहीं छुपाऊंगी, उसके लिए सॉरी गाइस, आप लोग हमें क्षमा कर देना, हमें माफ़ कर देना। और ये बातें मैं आप लोगों से नहीं छुपाऊंगी, जब सारे दुनिया सब कोई जानता है तो ये बातें आप लोगों को भी जानने की हक है, आप लोग जान सकते हो। और
जो लोग भी कमेंट करना, अच्छा ही करना, बुरा मत करना, हर किसी के मतलब फीलिंग होता है। चलो ये वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना, जो लोग हमारे वीडियो में नए हैं वो बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारे से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।